गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स में यूनिट थर्ड का जो क्वांटम स्टैटिक्स कर रहे थे उसकी सेकंड पार्ट फर्मी डिराक स्टैटिक्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो देखें कि फर्मी डिराक सांख्यिकी के गुण क्या होते हैं, विशेष गुण क्या होते हैं, किन के लिए ये एप्लीकेबल है। तो नंबर वन, इस सांख्यिकी में जो कण प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वसम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, अविभेद्य होते हैं, मीन्स हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। दूसरा, कणों की चक्रण स्पिन अर्ध विषम पूर्णांक होती है, मीन्स 1/2, 3/2, 5/2 लाइक दिस वन। एंड थर्ड, ऐसे कण पाउली अपवर्जन के नियम की पालना करते हैं। नंबर फोर्थ, इन कणों का तरंग फलन प्रतिसम्मित होता है, एंटीसिमेट्रिक होता है, जिसे अपन पहले करके आए हैं। बोस आइंस्टीन के लिए सम्मित होता है और फर्मी डिराक के लिए प्रतिसम्मित होता है। इनमें एक क्वांटम संख्या में एक ही कण हो सकता है, मीन्स हर कण के लिए एक इंडिविजुअल क्वांटम नंबर्स होंगे। यदि एग्जाम्पल देखें कौन कौन से कण आते हैं इसमें, जिनको हम फर्मियंस कहते हैं, देट आर द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। अब हम इसका वितरण नियम का विश्लेषण करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। माना कि दो कोष्टिकाएं नंबर दे दी हमने आई व जे, जिसमें प्रत्येक कोष्टिका चार उप कक्षों में विभाजित है, सब सेल्स में डिवाइडेड है। एक स्थूल अवस्था एन आई इक्वल टू 3, यानी हम तीन कणों का उपयोग करेंगे, और दूसरी अवस्था जिसमें एन जे इक्वल टू 1। पाउली के अपवर्जन के नियम के से प्रति उपकक्ष में केवल एक से अधिक कण नहीं हो सकते। अतः कोष्टिका आई की बात करें तो तीन कण डाल लें हमारे पास में, जो सब सेल से वो चार है, तो इसका मतलब हुआ पहले एक कोई भी सब सेल खाली रहेगा। तो इस तरह से चार संभावनाएं बनती है, जिसे अपने पहले चित्र बनाया है। तो इसकी जो ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है, थर्मोडायनेमिक सॉल्युबिलिटी, वो चार हो सकती है, चार संभावनाएं हो सकती है। दूसरी अवस्था के देखें जी कोष्टिका के लिए, यहाँ पे हमारे पास एक ही कण है, तो हम इसको बारी बारी से चार सब सेल्स में बांट सकते हैं, अलग अलग डाल सकते हैं, तो इसकी भी चार संभावनाएं बन सकती है। सो डब्ल्यू जे इसकी थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी चार हो जाती है। अतः ऊष्मागतिक प्रायिकता डब्ल्यू आई इक्वल टू 4 एंड डब्ल्यू जे इक्वल टू 4। स्थूल अवस्था की संगत ऊष्मागतिक प्रायिकता जो होती है, यानी सभी संभव अवस्थाओं की कुल संख्या, यानी हमारे पास में दोनों अवस्थाएँ हैं आई व जे, उनके लिए जो नेट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आएगी, स्टैटिकल वेट कह सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे, एंड दैट इज 4 × 4, दैट इज 16। इसी प्रकार जनरल व्यापक वितरण के लिए भी हम काम में लेते हैं, जनरलाइज करें, ये तो हमने एक एग्जांपल लेके किया, इसको हम नॉर्मल वे में सब जगह काम में लें। तो माना कि ऊर्जा ई आई में कोष्टिका में जी आई अवस्थाएँ उपलब्ध है, मीन्स हमारे पास जो पॉसिबल लेवल्स है, जो उपलब्ध लेवल्स है, जो अवस्थाएं हो सकती है वो जी आई है, और इनमें हमें एन आई कणों को व्यवस्थित करना है। कंडीशंस क्या है कि जो कणों की संख्या है वो अवस्थाओं से कम है, यानी हमारे पास कण कम है, अवस्थाएं ज़्यादा हो सकती हैं। तो हम देखें, प्रथम कण जो जा सकता है उसके लिए सारी चीज़ें खाली है, सारे सेल्स खाली है, तो वो कहीं पर भी जा सकता है। तो प्रथम कण जी आई में भिन्न भिन्न विधि द्वारा किसी एक अवस्था में स्थित हो सकता है। जैसे हम देखें कि यदि कोई ट्रेन का कोई कोच खाली है, पूरा खाली है, तो हम कहीं पर भी किसी भी सीट पे जाके बैठ सकते हैं। तो ये पहले जो पैसेंजर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसको संभावना, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि वह कहीं पे भी बैठ सकता है। परंतु जो दूसरा पैसेंजर आएगा उसके लिए उस जगह को छोड़ के बैठ सकता है जो जहाँ पर प्रथम पैसेंजर बैठा हुआ है। इसलिए दूसरा कण जो आता है उसके लिए जो संभव मेथड्स है वो जी आई माइनस 1 है, तीसरे के लिए जी आई माइनस 2 हो गया, क्योंकि इसके लिए पहले जो पार्टिकल्स है वो पहले से सेट है। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसको जो बैठने की जगह मिल सकती है, इसको जहाँ सेट होने की जगह मिल सकती है, व्यवस्थित होने की, वो जी आई माइनस 2 है। इस प्रकार एन आई कणों के लिए जी आई अवस्थाओं में रखने की विभिन्न विधियों की कुल संख्या, हम इसको इस तरह से प्रोडक्ट के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू जी आई मल्टीप्लाइड बाई जी आई माइनस 1 माइनस मल्टीप्लाइड बाई जी आई माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू जी आई माइनस एन आई प्लस 1, एंड यूजिंग द मेथड्स ऑफ दिस वन
फैक्टोरियल्स में हम इसको ले सकते हैं जी आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। अब चूंकि एन आई कण अविभेद्य है, आपस में भी वो मिल सकते हैं, आप अलग अलग नहीं कर सकते, इन्हें परस्पर बदलने से कोई अंतर नहीं होगा, अतः एन आई कणों को जी आई अवस्थाओं में भिन्न व विभेद्य कुल विधियों की संख्या उपरोक्त विधियों को एन आई फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं तो हमें जो नेट आएगा वो रिजल्ट प्राप्त होगा। अतः ई आई ऊर्जा की कोष्टिका में उष्मा गतिक प्रायिकता जो नेट प्रायिकता आएगी डब्ल्यू आई इक्वल टू जी आई फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन आई फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल इज फॉर द अबव एग्जाम्पल्स, जहाँ पे हमारे पास अवस्थाओं की संख्या जी आई इक्वल टू 4 था, पार्टिकल्स जो थे एन आई इक्वल टू 3 थे, एन जे इक्वल टू 1 थे। तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके देखें, चेक करें इसको, तो पता पड़ता है हमें कि पहले कौष्टिका के लिए जो उष्मागतिक प्रायिकता डब्ल्यू आई प्राप्त होती है दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, सो दिस गिव द 4। एंड सिमिलरली फॉर द डब्ल्यू जे दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल एंड दैट इज अगेन द 4। सो दिस विल बी गिव कन्फर्म द रिजल्ट्स एज वी हैव ऑब्टेन इन द जनरल वे। अतः फर्मी डिराक सांख्यिकी के लिए दी गई स्थूल अवस्था से संबंधित उष्मागतिक प्रायिकता का जनरल एक्सप्रेशन सभी के लिए जो आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती है, इसलिए डब्ल्यू इक्वल टू पाई दैट इज फ्रॉम आई टू एन जी आई फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन आई फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। सो दिस इज ए जनरल एक्सप्रेशन फॉर द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। नाउ वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट स्टेप। अधिकतम एंट्रोपी समय अवस्था पर होती है और इस एंट्रोपी के अधिकतम करने के लिए हमें इस लॉगरिथम ऑफ द डब्ल्यू चाहिए, और उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम इसका डिफरेंशियल करते हैं कि इसका अधिकतम चाहिए तो फर्स्ट डिफरेंशियल जीरो होना चाहिए, सो द डेल ऑफ द लॉग डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। सो जो ऊपर इक्वेशन थी उसको हम डिफरेंशियल करें तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है लॉग डब्ल्यू इक्वल टू जो पाई था वो सिग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, इससे पहले किया था हमने सिग्मा आई ऑल मल्टीप्लाइड बाई द लॉग लॉगरिथम ऑफ द जी आई फैक्टोरियल माइनस लॉगरिथम ऑफ द एन आई फैक्टोरियल माइनस लॉगरिथम ऑफ द जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। नाउ यूजिंग द स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज एन आई एंड जी आई आर द वेरी लार्ज नंबर, सो वी कैन यूज द स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। एंड वाट इज दैट, दैट इज लॉग एक्स फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। सो नाउ अप्लाइंग ऑन दिस वन इक्वेशन थर्ड वी ऑब्टेन log w इक्वल टू सिग्मा आई जी आई लॉग जी आई माइनस जी आई माइनस ऑफ द एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई एंड द माइनस ऑफ द जी आई माइनस एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई माइनस ऑफ द जी आई माइनस एन आई। नाउ दैट इज द जी आई एन आई दोनों तरफ पॉजिटिव नेगेटिव में कैंसिल हो सकते हैं, सो अधिकतम प्रायिकता के लिए डिफरेंशियल ऑफ द log w जीरो होना चाहिए, सो डेल ऑफ द log w इक्वल टू जीरो। सो डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन with respect to the ni as we keep the gi as a constant, so जो result मिलता हमें वो आता है del of the log w by the del ni that equal to the sigma i, क्योंकि gi आई कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंशियल जीरो आएगा और एन आई लॉग एन आई को हम ए डॉट बी की फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले log एन आई को करें तो ये आएगा वन बाई एन आई डेल्टा एन आई। इसी तरह से आगे करते हैं लोग एन आई डेल्टा एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई माइनस डेल्टा एन आई जी आई माइनस एन आई एंड लास्ट में माइनस लोग जी आई माइनस एन आई डॉट माइनस डेल्टा एन आई। सो नाउ वी ऑब्टेन द रिजल्ट इज दैट सिग्मा आई माइनस वन लोग एन आई प्लस वन प्लस लोग जी आई माइनस एन आई मल्टीप्लाइड बाय द डेल्टा एन आई इक्वल टू जीरो। एंड इसको रीअरेंज करें तो जो मिलता हमें वो सिग्मा आई लॉगरिथम ऑफ द जी आई माइनस एन आई डिवाइड बाई एन आई द होल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एन आई। कणों की संख्या व उसकी ऊर्जा नियत रहती है, अतः निम्न प्रतिबंध जो, क्योंकि अभी हमें लैग्रांजे अनडिटरमाइंड मेथड्स ज्ञात करना, मल्टीप्लाई मेथड ज्ञात करना है, तो हमने दो तीन कंडीशंस माननी होती है। इसमें हम पहली कंडीशंस मानते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंट है, सो एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा आई एन आई इक्वल टू एन। इसको डिफ्रेंशिएट करें सो दैट इज सिग्मा डेल्टा एन आई इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वेशन 7। सिमिलरली फॉर द एनर्जी ई कॉन्स्टेंट, सो दैट इज इक्वल टू सिग्मा एन आई ई आई एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा ई आई
डेल एन आई इक्वल टू जीरो इसका डिफ्रेंशिएट करने पे। लैग्रांजी मेथड से इक्वेशन 7 को माइनस अल्फा से और नंबर 8 को माइनस बीटा से गुणा करके इक्वेशन 6 में यदि जोड़ दें एंड यूज करें लैग्रांजी अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर मेथड्स, तो हमें प्राप्त होता है सिग्मा दैट इज फ्रॉम आई टू एंड मल्टीप्लाइड बाय द लॉगरिथम ऑफ द जी आई माइनस एन आई डिवाइड बाई एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई होल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एन आई इक्वल टू जीरो। इक्वेशन 9 प्रत्येक ऊर्जा स्तर के लिए सही है, अतः डेल्टा एन के गुणांक भी शून्य होंगे, सो वी सी जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। सो लॉगरिथम ऑफ द जी आई माइनस एन आई डिवाइड बाई एन आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ई आई। रीअरेंज किया जाए जी आई माइनस एन आई डिवाइड बाई एन आई इक्वल टू ई रेस टू पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। हमने लॉगरिथम हटाया एन लॉगरिथम किया तो जहाँ पे लॉगरिथम हट जाएगा उस साइड में ई रेस टू पावर हो जाएगा, और रीअरेंज करें जी आई माइनस एन आई डिवाइड बाई एन आई माइनस वन इक्वल टू ई रेस टू पावर अल्फा प्लस बीटा आई एंड देन फाइनल रिजल्ट इज एन आई इक्वल टू जी आई डिवाइडेड बाई वन प्लस ई रेस टू पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। दिस इज इक्वेशन 10। Here alpha and beta are known as the Lagrange constants, and as we have calculated previously the beta ka man 1 by kt hota hai, so ni equal to gi divided by a exponentially ei by kt plus 1। yahan humne ye maan liya ki e alpha equal to a that is a constant, and this equation एन आई इक्वल टू जी आई डिवाइडेड बाई ए एक्सपोनेंशियली ऑफ द ई आई बाई के टी प्लस वन इज कॉल्ड फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एंड दैट इज मोस्टली यूज्ड फॉर द फर्मियंस एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर।